तो गाइस जैसे कि आपने टाइटल को देखा तो आज हम बनाने वाले हैं पालक का रायता। सबसे पहले तो एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप पहले पालक ले लेंगे भाग्य मार्केट से, आप पालक लेके आएंगे 10 रुपये की। फिर उसके बाद पालक को कट कर लेंगे बड़े से बोल में अच्छे से, पहले से धो लें, धो के इसे कट कर लें। धोना तो दोबारा भी है बट इसे एक बार फिर से आप धो लें, पहले ही धो लें, उसे कट कर लें अच्छे से बिल्कुल एक बॉल में। फिर आप एक पतीले में जो आपने कट किए ना पालक, इसको निकाल लें। कट की हुई पालक को निकालें बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से। हालांकि पालक को दर्द तो नहीं होगा पर आप निकाल लें अच्छे से। उसके बाद आपको करना क्या है, पानी डाल लेना थोड़ा सा पालक में। पालक में थोड़ा सा पानी डालने के बाद आपको करना क्या है, अपना जो गैस स्टोव है ना उसको ऑन कर देना है मीडियम पे। उसके बाद आप पतीला जो अपना है ना पालक वाला, ये रख देना इस पे, और उस पानी को जो लिया ना इसको उबलने दें। ध्यान रखना निकलना चाहिए, जब निकलने लगे तब आप इसे स्लो कर दें। आपको पालक यहाँ पे गलानी है, पालक को गला देनी है। खाने में बहुत ही यम्मी होता है, ठंडा ठंडा होता है, मज़ेदार होता है। आप एक बॉल लें, बॉल में निकाल के उसे देख लें दबा के कि वही पालक गल गई है ना नहीं गली है। और उसके बाद आप जैसे मसाले होते हैं ना अपना, उन मसालों जैसे लहसुन हो गया, नमक हो गया, मिर्च हो गया, इन सब को कूट लें। जैसे मैंने एक कुंडी ले रखी है, हरियाणा में तो उसे कुंडी ही बोलते हैं। क्या करना, आपको धनिया भी डालना है उसके अंदर, धनिया भी कूट लें। जो आपकी है ना पालक आपने गर्म की है, इसको एक बड़ी सी बाल्टी में निकालें, उसमें ठंडा पानी डालें, थोड़ा ठंडा पानी डाल दें 3-4 गिलास। 3-4 गिलास डालने के बाद आप करना क्या है, उसको अच्छे से धो लेना है, रगड़ रगड़ के बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालना भी आपको उस कुंडी में है, जिस कुंडी में आपने कूटा है उसको मसाले को। जिस कुंडी में आपने कूटा है इसमें रख दें इसको पालक को। फिर आप इसे कूट लें, देखिए आपने पालक कितनी ली थी और ये गल की कितनी हो गई है। अब इसे भी कूट लें धीरे धीरे। फिर इसके बाद इस कुंडी में आप थोड़ी सी लस्सी डाल दें, या आप दही भी डाल सकते हैं, पैकेट वाली दही भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये आप करना क्या, जैसे ये वीडियो में देख पा रहे होंगे ना आप, इसको मिला लें पालक को लस्सी को मिला लें ताकि पूरा माल मिल जाए। और उसके बाद कुंडी को ना पतीले के अंदर या पोल के अंदर ओज दें, यहीं उसको पूरा रिता दें, खाली कर दें। आप वो बड़ी ही कड़छी लें, इसको जैसे हरियाणा में अपने कड़छी ही बोलते हैं उसको। उसमें आपको देसी घी लेना है, जीरा लेना है, और इसको गैस स्टोव पे रखना है। गैस स्टोव को मीडियम पे चला दें, थोड़ा वेट करें ताकि ये घी तप जाए। आप घी कोई सा भी ले सकते हैं, पैकेट वाला भी ले सकते हैं, या घर में देसी घी है तो देसी भी ले सकते हैं, देसी से अच्छा तो कुछ नहीं। फिर ये जब जलने लग जाएगा ना, इसमें से आग सी जलने लग जाएगी, तब आपको उसके अंदर डुबा डालना है, डुबा देना है। जो आपने पालक का बना है ना माल, उसको डुबा देना है। डुबाने के बाद इसको अच्छे से घुमा दें ताकि पूरा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अपना पालक का रायता बनके पूरा रेडी है बिल्कुल खाने के लिए।
आप इसे किसी में डाल के सर्व कर सकते हैं, घर में बड़ा को बूढ़ा को सबको दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।